Bismillahir Rahmanir rahim Alaikum, everyone. Uh, I welcome you all uh, to this panel discussion. And today we are celebrating 23rd March, uh, which is Pakistan's Resolution Day. And uh, aaj hum log, uh, we are aligning the spirits of Res Pakistan's Resolution Day with the crucial mission of uh, breaking the silence. पाकिस्तान का ये रेजोल्यूशन लिया था और अपने राइट्स का अपना हक जो है वो उन्होंने इस दिन इस चीज़ को अचीव किया था कि हासिल किया था कि लोगों ने हमारे राइट uh, right को uh, जो है वो uh, माना था कि यस जो कुछ हमारे लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं उनका राइट right है और इस ये रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ था तो इसी तरीके से ये हुआ कैसे ये हुआ इसी तरह कि uh, जो है वो दे एक्चुअली ब्रोक द साइलेंस दे यूनाइट एंड दे की तब जाके ये चीज हो पाई है तो जरूरी है कि हम चीजों को सामने लाए जो इशूज हैं इशूज हर जगह होते हैं ठीक है पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो इशूज हर जगह है ये जो इशू है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हरासमेंट जो कि मैं वुमेन हरासमेंट नहीं कहूँगी हरासमेंट किसी के साथ भी हो सकती है चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो तो जो भी वर्क प्लेस हरासमेंट है स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस हेरासमेंट तो वो किसी के साथ भी हो सकती है लेकिन उस पर नॉर्मली वॉट वी डू इज के हम चुप रहते हैं हमें ऐसा लगता है शायद इसमें हमारी क्यों गलती है या हमारी ही अपनी कुछ इंसल्ट हो जाएगी अगर हम ये बता देंगे कि हमारे साथ इस तरह से हरासमेंट हो रही है और हरासमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की हरासमेंट होती है ये भी एक बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है या मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है के हरासमेंट uh, सिर्फ सेक्शुअल हरासमेंट होती है कुड बी ऑफ एनी टाइप तो वो भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हमारे साथ कुछ एमिनेंट पैनलिस्ट हैं और हमारी ऑडियंस भी uh, हमारे साथ है सो so, हम uh, इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की सबसे पहले ये बात कितने टाइप की हरासमेंट होती है और क्या हरासमेंट सिर्फ खुवान के साथ होती है ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है तो इधर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की या इक्वालिटी की बात करें अगर जेंडर इक्वालिटी की सो जेंडर इक्वालिटी मींस के सबके साथ इक्वल uh, सलूक हो हरासमेंट में किसी के साथ भी हरासमेंट हो सकती है वर्क प्लेस पे तो वो uh, जो है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे साथ द मोस्ट सीनियर वन डॉक्टर खालदा जकी सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर जाहिर ये इतना ईजी नहीं है कि इनको uh, जो है वो मैं Torre Sel Faz may introduce Karwadu, but uh, I will try my level best to introduce her. Uh, Dr Sarta uh, is uh, sorry Dr Khalda Zaki is a professor emeritus, and she received her PhD in sociology from Michigan State University uh, and MA in sociology from University of Baltimore and MA in economics and BA honors and ba honors from University of Punjab, Lahore. Uh, dr zaki uh, established a distinguished 33-year uh, career in the department of sociology msu including her prior experience at msu including her prior experience as research demographer at pakistan uh, institute of development economics islamabad because of her breadth of uh, her interdisciplinary academic training teaching and research uh, Dr. Zaki uh, assumed uh, um, an impression range of faculty assignments in the social sciences, uh, international health, global gender diversity, and Muslim societies. So she is uh, well known for her international contributions to female empowerment and education leadership. As a senior Fulbright uh, specialist, she uh, led faculty capacity building in higher education in recognition of her scholarship she was honored with prestigious msu all university faculty excellence in diversity award so congratulations uh, uh, dr khalda Zaki. ye mujhe hai mainne, uh, hai is, uh, uh, in introduction is not uh, enough but uh, due to the shortage of time thoda sa ye introduction hai. so डॉक्टर खालदा आपसे मेरा एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज के व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्कप्लेस harassment जिसकी हम अभी बात कर रहे थे एंड हाउ डू दे मैनिफेस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स जी थैंक यू सो मच साइमा एम फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड काइंड इनविटेशन दैट यू सेंट मी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड टू बी कम्युनिकेटिंग इंटरक्टिंग विद ऑल ऑफ यू आप uh, का सवाल जो है उसका जवाब तो बहुत एक्सटेंसिव uh, हो सकता है uh, मगर इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स एम्फेसाइज करूं कि ये हरासमेंट की एग्जांपल्स हैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड को समझना चाहिए पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें हमारा टाइटल है कि हाउ टू एड्रेस हरेसमेंट इश्यूज इन इन पाकिस्तान एट वर्क प्लेस कॉन्टेक्ट सोशल कॉन्टेक्ट जिसमें हम एज मैन एंड वेमेन और इंडिविजुअल इन आर सोसाइटी पाकिस्तान वी ऑपरेट एंड इंटरक्ट विद अदर्स तो उसको समझने के लिए हर uh, सोसाइटी के डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मोस्टली जब हम टॉक करते हैं कि हरेसमेंट बहुत होता है और हम उसको प्रिवेंट कैसे करें एड्रेस कैसे करें तो उसको उसकी अपोजिशन आती है सबसे पहले फ्रॉम अथॉरिटीज एंड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उसकी वजह ये है कि ये बात नहीं है कि वो सब के साथ एक बराबरी का सलूक चाहते हैं वो सबके साथ एक इंसाफ चाहते हैं बराबरी का सलूक चाहते हैं मगर अंडरस्टैंडिंग uh, जो है इश्यूज की वो सही नहीं हो पाती है वो समझते हैं कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एक लिबरल कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ तो हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे औरतों की मतलब हेरासमेंट हो सके वो बेटियां हैं बहनें हैं माए हैं तो उनका ये ऐसा नहीं है आ, मगर उ, उसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पेट्रियॉरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के ये चीजें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑपरेट करती हैं आई मीन हरेसमेंट ऑपरेट करती है इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स तो और उसी उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे वर्क प्लेस पे अब हम फोकस कर लेते हैं कि औरत को को और मर्द को उनके एक जो सोसाइटी ने बायोलॉजिकल रोल है उनका एज मैन एंड वीमेन उसके ऊपर फोकस रहता है हर वक्त ये औरत है इसको ऐसे ट्रीट करना है ये मर्द है उसको ऐसे ट्रीट करना है तो okay. वो एक्सपेक्टेशंस कैसे आती हैं उनके जेन में वो सोसाइटी की क्रिएशन है वो हम अपने सोशल इंटरेक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं कि औरतों को ऐसे होना चाहिए आदमियों को ऐसे होना चाहिए आदमी ऊंचा बोल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है औरत ऊंचा बोल ले तो बदतमीजी हो गई या ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं तो ऐसी जो चीजें हैं वो फिर सोसाइटी में क्योंकि औरतें का मेनली ये समझा जाता है कि उनका जो मेन रोल है वो घर के अंदर है डोमेस्टिक है बच्चों को का ख्याल रखना फैमिली का ख्याल रखना और शी इज नॉट कंसीडर्ड एट द मेजर ब्रेड विनर फॉर द फैमिली और शी इज कंसीडर्ड द मेन हर मेन रोल इज रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करना इन द प्राइवेट स्वीयर ऑफ लाइफ आदमियों का it is taken as breadwinners of the family providing them resources and income to sustain the family so that is considered productive role in public life which is outside the private outside the home environment so uh, because men earn uh, the resources for family and income from outside the house so unke paas ek. पावर uh, ज्यादा आ जाती है सोशल एंड इकोनॉमिक पावर कि मैं ये फैसले कर सकता हूँ आप दूसरा फैसले ना करें तो यहाँ पे फिर वो इस तरह शुरू होते हैं और यही अप्रोच जो है यही थिंकिंग जो है यही घर में घर से मिलती है और फिर सोसाइटी में भी वही ऑपरेट करती है तो जब एक औरत जॉब पे जाती है फॉर एग्जांपल तो वर्क प्लेस में उसको पहले सब ऐसे ही देखते हैं कि ये घर इनका घर चलाना है ये करना है इसलिए अब ये बाहर आ गई से काम करें तो ज्यादा इंटरफियर ना करें सिस्टम में मगर वर्क प्लेस क्या है हायर एजुकेशन की हम मिसाल दे रहे हैं ना यूनिवर्सिटीयां हैं और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कॉलेजेस हैं और आपकी यूनिवर्सिटियों में फैकल्टीज नहीं है सिर्फ फैकल्टीज स्टूडेंट्स स्टाफ पर्सन अदर हेल्पर्स वो सारे लेवल्स के ऊपर एक उसकी इनिक्वालिटीज uh, uh, जो है वो प्रिवेल करती हैं तो वो इनक्वालिटी जो है वो विमेन के लिए ज्यादा प्रिवेल करती हैं रिलेटिव टू मेन क्योंकि विमेन का जरा सबमिसिव रोल होता है okay. तो, तो इस चीज को हमें जहन में रखना चाहिए उसी की बेस पे फिर वो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शुरू होते हैं uh, अभी जैसे मैं uh, आजकल मीडिया पे बड़ा जोर है जोर है हमारा है कि हम खबरें देखते हैं हर वक्त पाकिस्तान की तो मैं देखती हूँ कि इवन द विमेन लीडर्स इन पॉलिटिकल पोजीशंस वो जब इकट्ठे होते हैं मीटिंग्स में तो मेन नॉर्मली शेक हैंड तो ऑब्वियसली कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में विमेन के साथ वो हैंड शेक नहीं करते हैं मगर वो उनके सर पे हाथ रख देते हैं और औरते सर पे हाथ जब रखते हैं तो वो ऐसे हो जाती है थोड़ा सा मतलब सर पे हाथ रखना एक ठीक है आपका बड़ी कंपैशन वाली बात है प्यार से मेहरबानी से बट उस वक्त वो उसकी इक्वल नहीं रहती इसको से आप देखें वो इक्वल है आप सलाम कर ले बात खत्म हो सर पे हाथ फेरना जरूरी नहीं है तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है आप उससे डिसएग्री कर सकती हैं तो मुझे आप फिर मैं इसी को दिस इज एन एग्जांपल मगर देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स सेक्सुअल हो सकती है जिसको जो मेजर प्रॉब्लम है और वो शुरू कैसे होती है स्मॉल थिंग्स वर्बल हो सकती है लफ्स बोल चाल में ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं फिजिकल हो सकता है डिस्टेंस से कैसे बात करनी है करीब आ जाते हैं है, मैन हाथ लगा देते हैं कंप्यूटर पे आप कोई क्वेश्चन मैंने देखा बच्चियां पूछ रही हो तो मैन आके उनके बिल्कुल कंधों पे लटक जाते हैं और उनको आ, समझाते हैं इस तरह इस तरह तो देर शुड बी स्पेस

आपने देखा आपके ऑर्गेनाइजेशंस में देर आर मोर मेल्स डीन्स डायरेक्टर्स और प्रमोशन उनकी होती हैं मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं देर आर मोर मेंबर्स विमेन रिप्रेजेंटेड तो yeah. वो डिसीजन मेकिंग फिर बायस्ड हो जाती है कि इट इट अज्यूम्ड जो डिसीजंस ओवरऑल मेल फिगर्स या लीडर्स करेंगे वो सबके लिए एक ही तरह से अप्लाई करेगा मगर ऐसा होता नहीं है इसीलिए औरतों की आवाज को सुनना चाहिए और प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट करना चाहिए जब मैंने कहा प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है तो किसने करना है इट्स हर सोशल चेंज हर कल्चरल चेंज जो हम लाना चाहते हैं वर्क प्लेस एनवायरमेंट उसमें उठना चाहिए तो उसके लिए यू बिकम द एजेंट ऑफेंर योर ओन एडवोकेट तो जब तक आप अपनी स्टोरी अपनी कहानी अपनी एक्सपीरियंसिस uh, अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं शेयर करेंगे विद इन योर ओन कॉलीग विद इन योर ओन जेंडर एंड देन शेयर दोस्ट विद ब्रॉडर सोसाइटी इंक्लूडिंग मेन एंड द मेजर पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स तो उस वक़्त तक बात नहीं बनेगी तो मैं मेरा ख्याल है आप मेरे टाइम का ट्रैक रखें और मुझे बताएं कि ये चैलेंजेस हैं सारे और यही चैलेंजेस जो हैं इनको मैं अपॉरचुनिटीज समझती हूँ To make improvement and to everyone can play our part. So, a strategies, plans, networking, uh, proper language say up, issues ko uh, kaise present kar sakte hai. Thank you very much, uh, uh, Doctor Khalda. You are absolutely uh, on the point. कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते वर्क प्लेस पे तो मेल हो या फीमेल हो हमारा अपना एक पर्सनल डिस्टेंस होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई उस डिस्टेंस को क्रॉस करता है तो वी डोंट फील गुड हो सकता है कि वो उसकी कुछ भी इंटेंशन हो जरूरी नहीं है कि इंटेंशन भी गलत हो बट वी शुड यू नो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी अपार्ट फ्रॉम दैट के आपने जो हेरासम से रिलेटेड हाईलाइट किया कि क्या क्या, क्या चीज़ें आती हैं जो एक्चुअली के अंदर आ रही होती हैं और जिसको जिसकी वजह से दूसरा बंदा हरास हो सकता है या फील कर सकता है तो और उसका चुप रहना कि उसको अगर बुरा लग रहा है तो वो इस चीज को नहीं हाईलाइट कर रहा है कि भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है मैं इंटिमिटेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो ये चीज़ भी उसे बताना जरूरी है और दूसरा बंदा जिसकी वजह से हो रहा है उसको बुरा मानना भी नहीं चाहिए इस बात पे, इस चीज़ का जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छा हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं क्योंकि फाइव सेवन मिनट्स रह गए हमारी मीटिंग के ना हमें डॉक्टर साजदा से क्वेश्चन पूछूंगी तो मेरे ख्याल में बीच में फिर इंटरप्शन आ जाएगी तो आई थिंक दोबारा स्टार्ट करके फिर डॉक्टर साजदा की तरफ जाते हैं प्लीज़ ज्वाइन द लिंक अगेन थैंक यू